हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरे इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है, एक तो वो सबके लिए यूजफुल है, ठीक है, दूसरा ये कि मेरे बहुत से भाई लोग होंगे जो इस सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे, ठीक है, या और भी कोई पेड वर्जन में कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं किसी भी सॉफ्टवेयर का। ठीक है, जो मैं यूज करता हूँ वही मैं आप सबको बता रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा ये कि ये सबके लिए यूजफुल है, ठीक है, कोई भी इसे ट्राई कर सकता है। ठीक है, कुछ भी बनाना हो, चाहे हम इंस्टाग्राम स्टोरीज हो जाती है, ठीक है, यूट्यूब थंबनेल हो गए, ठीक है, या हमारे जो है सोशल नेटवर्किंग जो भी साइट्स हैं उसके बैनर्स हो गए, ठीक है, हम काफी सारी चीजों को है ना हम इसके अंदर इजी वे के अंदर हम इसमें बना सकते हैं। ठीक है, और इसे कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, जिसे पता है, ठीक है, जैसे इस सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज है उसे तो पता ही होगा कि हाँ ये सॉफ्टवेयर बहुत बेस्ट है। ठीक है, हमारे यूट्यूब इंडस्ट्री के लिए प्लस क्या है कि हमारी जो सोशल नेटवर्किंग ग्रोथ के लिए हमारे को ये सॉफ्टवेयर आना चाहिए। ठीक है, आना क्या चाहिए, ये इजी वे में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि ये जो सॉफ्टवेयर है फ्री है। ठीक है, कोई भी इसमें पेड वर्जन नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर जो एडवांस प्रो लेवल पे होता है, ठीक है, उसके अंदर जो हम यूज करते हैं उसमें पेड है। ठीक है, अगर आप रेफरेंस के थ्रू अगर ऐसे यूज कर रहे हैं तो आई थिंक सो उसमें आपको टेम्पलेट फ्री मिल जाती है, अदरवाइज आपको पेड वर्जन की भी नीड नहीं है। इसमें जो फ्री वर्जन है वही इतने बेहतरीन तरीके से आप यूज कर सकते हैं कि आप आराम से कुछ भी इतने प्रोफेशनली थंबनेल्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज, ठीक है, रील्स, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, और भी काफी सारे जैसे फ्लायर डिजाइन, या अगर आपके सॉफ्टवेयर जैसे आप कहीं पर भी आपका अकाउंट है फ्रीलांसर की तरह आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसके अंदर भी आप एडिटिंग करके डिजाइनिंग करके, ठीक है, आप उसमें भी आप पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, अर्न कर सकते हैं मनी। ठीक है, दूसरा ये कि आप इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ठीक है, जो भी है आप क्लियर वे में एक मतलब हाई रेजोल्यूशन के अंदर है ना आप इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है और कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नॉर्मल पर्सन जिसे कुछ भी एडिटिंग नहीं आती, ठीक है, कुछ भी नहीं आती, डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइन से कोई लेना देना नहीं है, वो भी इसमें एडिट कर सकता है। ठीक है, इसके लिए आप ये एक तो फर्स्ट कि ये फोन में भी यूज हो सकता है, ठीक है, दूसरा ये कि ये लैपटॉप के अंदर भी यूज हो सकता है। ठीक है, दूसरा एंड क्या है कि चलो इतनी बात करने के बजाय हम इसका है ना थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको दूंगा इस सॉफ्टवेयर का, और मैं इसके ट्यूटोरियल भी लेके आऊंगा इसके, ठीक है, कि आप इसमें कैसे आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप अलग अलग टाइप के थंबनेल्स बना सकते हैं प्रोफेशनली वे में। ठीक है, दूसरा ये इंस्टाग्राम स्टोरीज आप कैसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कि आप कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को आप कंपेयर कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है, कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं। हालांकि इसके बारे में आप जानते ही होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम लैपटॉप स्क्रीन में आने से पहले, ठीक है, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, दूसरा अगर वीडियो पसंद आए एंड तक, ठीक है, तो लाइक भी कर देना और बेल आइकन को हिट जरूर कर देना, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर लेटेस्ट वीडियोस लेके आऊंगा, ठीक है, तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, और क्या है कि अगर वीडियो ना पसंद आए, ठीक है, तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पे बने रहिए, ठीक है, काफी सारी वीडियोस मैं लेके आऊंगा इससे रिलेटेड, ठीक है, डिजिटली में, ठीक है, और मेरा मतलब इस चैनल पे मेरा ऑलमोस्ट वर्क मेरा पेंटिंग के थ्रू रहता है। ठीक है, मैं पेंटिंग भी सिखाता हूँ, तो आप मेरी और भी वीडियोस मेरी देख सकते हैं। ठीक है, जो मेरी लेटेस्ट अभी मैंने डाली है ना, मैंने एक स्केचिंग ड्रॉ करके डाली है, ठीक है, वो मैं आई बटन में दे दूंगा मैं आपको, तो आप वहां से जाके आप मेरी और भी वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम
लैपटॉप की स्क्रीन पर आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत जो है आपको इंट्रो दूंगा, ठीक है। फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये पूरा डिटेल के अंदर आपको समझाऊंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप के कैसे वर्क करना है इसके अंदर। बहुत ईजी है, आराम से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई से भी ब्राउज़र के अंदर आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। एंड देन आपको सेलेक्ट करना है जो यूआरएल के अंदर आपको सीधा टाइप करना है कैनवा, ठीक है। हम कैनवा सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, जो फ्री वर्जन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो सबसे पहला लिंक होएगा आपका canva.com, उस पर क्लिक करना है। एंड देन आप जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं जैसे ही, ठीक है, तो आपको जो इंटरफेस है वो ऐसा दिखेगा। और इसके अंदर क्या है कि कैनवा डिज़ाइन फॉर एवरीवन, राइट, इट इज़ मतलब कि सबके लिए है ये, ठीक है। और क्रिएट विद कस्टम टेम्पलेट्स एंड डिज़ाइन विद टीम लाइक दिस, ठीक है। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इसके थोड़ा बहुत पता चलेगा कि फ्री फॉर एवर है, ठीक है। इसके राइट साइड में मत देखना, ये प्रो वर्जन है, बेकार है, ठीक है। इससे ज़्यादा बेस्ट तो आपको फ्री वर्जन में ही चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और जो इसके जो ऑलमोस्ट डिटेल्स हैं आप रीड करिए कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, ठीक है। और ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आपको डिज़ाइन इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता चलेगा कि जो मेन काम है हमारा वो हम डिज़ाइनिंग का है, तो हम वो देखेंगे। आपको किसी भी अकाउंट से आपको गूगल से साइन अप कर लेना है इस अकाउंट में, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर। आप जैसे ही इस पर आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, मेरा तो अकाउंट बना हुआ है तो मैं इससे सीधा डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ, ठीक है। जब आप ओपन करेंगे तो आपका इंटरफेस ऐसा दिखेगा। इसके अंदर जो समझने वाली बात है, ठीक है, राइट साइड के अंदर अगर आप आएँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके लिए रिकमेंडेड होगी, ठीक है। इसके अंदर जो भी है ऑल ऑफ योर जो डॉक्यूमेंट्स आप डिज़ाइंस बनाएंगे वो सारा कुछ इसके अंदर अवेलेबल होएगा, ठीक है, राइट साइड में। और जिसका मेन्यू बार है, होम पेज है, ठीक है, टेम्पलेट्स हैं और अदर अदर चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी इसके अंदर, ठीक है। टेम्पलेट्स में जाएंगे तो आपको सोशल मीडिया, ठीक है, पर्सनल, बिजनेस, मार्केटिंग, एजुकेशन, ट्रेंडिंग, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको ऑलमोस्ट आप डे टू डे लाइफ के अंदर देखते ही होंगे, ठीक है। जो सारे टॉपिक्स हैं सोशल मीडिया के, स्टोरी से लेके आपका जो भी है यूट्यूब थंबनेल कंटेंट, ठीक है, पर्सनल में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, बिजनेस में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और मार्केटिंग हो गया, ठीक है, और हमारा है एजुकेशन्स में, जैसे हमारे किड्स होते हैं, ठीक है, उनको कुछ भी प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ती हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी बेस्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, फ्री टेम्पलेट्स मिल जाती हैं आपको। ट्रेंडिंग में जो टॉपिक्स चल रहे होते हैं इस टाइम पे, ठीक है, वो भी इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में सीखना है, प्रोफेशनली वे में सीखना है, मैं सिखाऊंगा वैसे तो, बाकी इसके अंदर भी ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं, ठीक है, आप इसमें भी जाके आप सर्च कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है, इसे समझने के लिए। बाकी मैं तो एक बारी सीरीज़ लेके ही आऊँगा, ठीक है, इसको समझाने की, बाकी इसमें भी जाके आप सीख सकते हैं। ये सर्च बार है, आप यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी आपको जो भी चीज़ बनानी है आप इसमें टाइप करिए, एंड देन आपको वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, फ्री टेम्पलेट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और जो नॉर्मल सेक्शंस है आप जो नीचे आप देखेंगे, ठीक है, और अगर आप ये क्रिएट डिज़ाइन के अंदर जाएंगे तो आपको इसमें भी सर्चिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट इसमें क्या है कि इसमें कस्टम जो साइजेस होते हैं ना वो बिल्कुल एज इट इज़ होते हैं, जो आपका जो जैसे आप YouTube कुछ वीडियो बना रहे हैं या रील्स बना रहे हैं तो उसके साइजेस अवेलेबल होते हैं, आपको आइडिया नहीं होता, तो इसमें आपको ऑलरेडी आपको फिक्स साइजेस मिल जाएंगे आपको, ठीक है, जो भी आप ड्रॉ करने वाले हैं, डिज़ाइन बनाने वाले हैं तो उसके साइजेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये कि इसके अंदर क्या है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके जो भी टेम्पलेट्स जो मिलेंगी वो फ्री होंगी, ठीक है, फ्री टेम्पलेट्स है, साइजेस फ्री हैं, ठीक है, साइजेस में भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर आपको खुद का कस्टम साइज़ आपको ड्रॉ करना है, ठीक है,
कुछ भी आपको बनाना है तो आप कस्टम साइज पे भी जा सकते हैं, आप उस पर अपना खुद डिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें देखो काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको कस्टम साइजेस बनाना है आपका खुद का तो इधर एक ऑप्शन दे रखा है, अगर आपको एडिटिंग करनी है तो इधर एक ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। आपको कस्टमली डिज़ाइन करना है तो आप इसके अंदर अपनी वेद साइजेस डाल के आप सीधा कस्टम्स बना सकते हैं, ठीक है, डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा रहा अगर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हम बनाने वाले हैं, हम दिखाता हूँ मैं, जैसे YouTube थंबनेल है, ठीक है, YouTube थंबनेल मैं इसमें डाल दूँगा और हमारा जो इंटरफेस है वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये एक ब्लैंक पेपर साइज़ है, फुल रे साइज, ठीक है। इस पर हम ये ऑलरेडी इसका जो साइज़ है वो YouTube से के अकॉर्डिंग ही साइज़ डिसाइडेबल है, ठीक है। इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, अगर आप यहाँ से कुछ बनाते हैं तो आपको सीधा डायरेक्ट आप शेयर भी कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके आप सीधा यूज़ कर सकते हैं, कोई भी साइज़ इसके अंदर आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कुछ टेम्पलेट्स हैं जो आप फ्रीली आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो लेफ़्ट साइड के अंदर जो आ रहे हैं ये ऑप्शंस, जैसे एलिमेंट्स हो गए, आपके लाइन, सर्कल, ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं फ्री के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रो पे आपको कुछ और अदर फीचर्स मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि अगर आपको कोई भी चीज़ अपलोड करनी है तो उसमें अपलोड का सेक्शंस भी है, आप अपलोड वीडियो भी कर सकते हैं, इमेजेस भी कर सकते हैं, टेम्पलेट्स मिल जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर जो फोटोज़ हैं वो आपको फ्री में मिल जाती हैं आपको, ठीक है। टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट के डिज़ाइंस हैं, ठीक है, काफ़ी सारे इसके अंदर, बहुत ही मतलब अगर आप अच्छे से यूज़ करना आ गया ना आपको ये, तो आपको जो टेक्स्ट है उसके अंदर भी काफ़ी सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं और वो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं एक प्रो लेवल पे, ठीक है। दूसरा है स्टाइल्स, ठीक है, म्यूजिक्स ऐड कर सकते हैं, कॉपीराइट फ्री ऐड म्यूज़िक कर सकते हैं, कोई भी रील्स अगर आप इसमें बना रहे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है, वीडियोस हैं जो अपलोडेड है, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड्स भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। काफ़ी बैकग्राउंड्स, जैसे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये एक बैकग्राउंड है, ठीक है, ये एक बैकग्राउंड डिज़ाइन हो गया, ठीक है। दूसरा ये कि इसमें कुछ एडिट करके आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं, जैसे मैं सर्कल एडिट करता हूँ इसके अंदर, जैसे मैंने सर्कल सेलेक्ट किया, सर्कल एडिट हो गया, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी डिज़ाइन करूँगा इसके अंदर तो मेरे को मिल जाएगा एक कुछ भी अगर हमें डिज़ाइन करना हो, ठीक है। अभी तो मैं बस इसका एक नॉर्मल पार्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको जो इसके सॉफ्टवेयर की नॉलेज दे रहा हूँ कि हाँ इसके अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। कुछ भी हमने इसमें ड्रॉ करना चाहा, लाइक दिस मैंने ये कर दिया, ठीक है। इसके जैसे आप छोड़ेंगे तो आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख जाता है आपका इफेक्ट्स, ठीक है, ये सारे सारी चीज़ होगा, ठीक है, एडजस्ट, क्रॉप, ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं आपको। इसमें कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है, कस्टम कलर्स हो सकते हैं, या खुद भी आप कलर कोड यूज़ करके आप कलर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर अवेलेबल, ठीक है। और जो अगर आपको कुछ चीज़ ऐड करनी हो, ठीक है, लाइक दिस दिस टाइप, तो आप टेक्स्ट में जाएं, ठीक है, टेक्स्ट ऐड कर दीजिए, जैसे आपने टेक्स्ट ऐड किया तो कितना मस्त लग रहा है। जैसे अगर आप और भी चीज़ें अगर आप इसके अंदर जैसे आप खुद की चीज़ें डिज़ाइन करना चाहो तो आप टेक्स्ट लीजिए और सीधा सेलेक्ट करके आप डालिए और अपना जो भी चीज़ है वो डाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि जैसे कस्टम्स हमारे यूट्यूब्स के लोगोज़ होते हैं, ठीक है, वो भी आप सीधा सर्च करके आप लगा सकते हैं, ठीक है, या आप सीधा इसके अंदर एक ख़ास बात है कि आप इसमें कुछ भी चीज़ें आप टेम्पलेट्स या कुछ भी इमेजेस हो गई वो आप इसमें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये सब्सक्राइब का बटन, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए इस सीरीज़ की, ठीक है। फ्री का ट्यूटोरियल्स है, आपको मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, बेस्ट है, आप सीखे आप सीखोगे ही कुछ इससे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम कि अगर हमें और कुछ डिज़ाइन करके देखते हैं इसके अंदर कुछ डाल दें तो, ठीक है, लाइक दिस डाल दिया, ठीक है, अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, थम्स अप का बटन साइन कर देना, ठीक है, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या चीज़ इसमें डिफरेंस लगी, ठीक है।
और इसके अंदर कुछ अलग एक ऑप्शंस दिख जाता है, जैसे हम अगर राइट साइड में 3 डॉट पे जाएंगे तो आपको ये काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आपको कुछ भी अगर आपको शेयर करनी है कहीं चीज़ें, ठीक है, डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड का ऑप्शन है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है, गूगल ड्राइव, ये सारे कितने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इसके अंदर। आप इसके अंदर सीधा डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंट के लिए डिज़ाइंस निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर आप डाउनलोड में ऑप्शन देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं ऑप्शन, JPG, JPEG, PNG, PDF में या MP4 के अंदर भी। सीधा डायरेक्ट आप डाउनलोड करिए, ठीक है, डाउनलोड करेंगे सीधा, डायरेक्ट डाउनलोड करके आप सीधा आ सकते हैं, डायरेक्ट आपकी फाइल के अंदर आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सारे डिज़ाइन से आपको ऊपर जो आपको फेस मिल जाता है, आपको कलर का, साइज का, ठीक है, ये एक एक करके हम बात करेंगे इसके अंदर के क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे बात करेंगे। और भी मोर ऑप्शंस हैं, पोजीशंस हो गई, ठीक है, लॉकिंग सिस्टम्स हो गए, डिज़ाइंस हो गए, ठीक है, और क्या बोलते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, अगर आपको और भी कोई चीज़ ऐड करनी हो, ठीक है, पेजेस बनाने हो, ठीक है, वो आप कर सकते हैं इसके अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और मेरे हिसाब से ये एक बिगनर्स के लिए बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर है एडिटिंग के लिए, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, अगर आप प्रोफेशनली वे में भी यूज़ करना चाहें तो इसके लिए इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है।